आज हमारे साथियों ने एक वफद की शक्ल में जिंसी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात की। हमारे पास बहुत सारी शिकायतें थी, बहुत सारे ग्रीवेंसेस थे। हमारे साथियों ने मेरे पास मालूमात फराहम की थी, एक डिटेल निवेदन हमने उनके पास दिया है, जिसके बुनियादी पॉइंट्स ये है कि 15 दिन के अंदर जिंसी पुलिस स्टेशन के हद में जितने गैर कानूनी धंधे हो गए हैं वो बंद कर दिए जाए, नहीं तो हम जमहूरी तरीक़े पर एक बड़ा एहतजाज करेंगे और जमहूरी तरीक़े से मोर्चा निकालेंगे, भूख हड़ताल को बैठेंगे, सब कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, हमारे साथियों का और मेरा कहना यह है कि एजेंटों की, चमचों की, खुशामदों की भरमार हो चुकी है। कहीं ना कहीं पुलिस महकुमा ये एजेंटों को, चमचों को नज़दीक रखता है। इनकी पीस कमेटी में कितने डॉक्टर, कितने टीचर, कितने प्रोफेसर है उसका हिसाब किताब भी नहीं है। तो एक ऐसी पीस कमेटी बनाई जाए और उसकी पाबंदी के साथ महीने में मीटिंग हो, जो इस क्षेत्र में, जो इस एरिए में अमन अमान कायम करने मददगार हो सके। ब्लैक रिकॉर्ड रखने वाले, क्रिमिनल धंधे करने वाले लोगों को कमेटी में ना रखे तो बेहतर है, ऐसा हमने गुजारिश की है। तीसरा, ड्रग का कारोबार जो कर रहा है, जो मुलविस है उनको ढूंढ कर निकालो। कुछ चीज़ों की नुशाइंदगी खुफिया तौर पर हमारे साथियों ने की है, इंशाअल्लाह ताला पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाकर हम उसमें अच्छा काम करेंगे। चौथी बात जो थी, जिसके बारे में पीआई साहब ने पर्दा झाड़ दिया, वो थी हमारे एक भाई मुनीर की किराटपुर के वाकयात में पुलिस गोली से मौत वाक़ होना। उनका ऐसा कहना है कि मुनीर भी दंगाई में था और हमने उस पुलिस ऑफिसर पे कोई गुनाह दाखिल नहीं किया। अब हम इंशाअल्लाह वो सिटको के जो जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर है वहाँ जाएंगे, उनसे एसआईटी की रिपोर्ट मांगेंगे, वो रिपोर्ट को देखेंगे और अल्लाह ने चाहा कोशिश करेंगे कि मुनीर के ख़ानदान को इंसाफ मिले, ताकि मुनीर की रूह को शांति मिले और जो खाती जिम्मेदार है उनको भी सज़ा मिले। वो एक मसला अभी हमको करना है, मंगल या बुध को जाएंगे सिटको पुलिस स्टेशन में। तीसरा, हमने इनसे पूछा कि जिन वजूहात की बुनियाद पर किराटपुरे का दंगा रोनुमा हुआ, वो जो भटके हुए, भड़के हुए, नारे देने वाले नौजवान, उन पे क्या कार्रवाई की गई, और उस मामले में इन्होंने फिर कहा कि हमारे पास कुछ रिपोर्ट नहीं है और जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हमने बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पे दिया है निवेदन और हम ये उम्मीद करते हैं कि मौजूदा पीआई साहब अपनी पूरी टीम को दुरुस्त करेंगे, अच्छे अंदाज में इस पूरे पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देंगे। आज मेरे साथ इस निवेदन देने में प्रोफेसर सुहेल जगीर, हमारे शहर सदर मोहतरम शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे माजी कारपोरेटर शाहनवाज खान साहब, सागम भाई, हमारे सगाउद्दीन भाई, वसीम भाई, आमिर भाई, खरीर भाई, मुश्ताक भाई, हमारे अकरम भाई, अशु भाई, हमारे पहलवान थोड़ा देर से आए इसलिए नाम बोल देगा उनका भी, मुहिमिन खान, अजीम पटेल, अमजद चाचू, हमारे अल्ताफ भाई, भाई इम्तियाज़, मुश्ताक सगामी और हमारे परवेज़ खान, रिजवान पठान, अनीस रीडर और काफ़ी साथी मौजूद थे। हम सब ने डेलीगेशन दिया है और उम्मीद करते हैं कि 15 दिन में कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई तो फिर आएंगे,
फिर बैठे।